सुर्खियों की सवारी गाठना उनकी खास अदा है। वैसे भी मोदी सरकार के वे एक ऐसे इकलौते मंत्री हैं जो अपने हिसाब से खबरों में रहते हैं, खबरों की मरम्मत करते हैं, जरूरत पड़ी तो उनके नवांकुर बीजों को अपने हिसाब से खाद पानी भी देते हैं। पिछले दिनों अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर खूब खबरें उड़ाई गई, पर इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते गृह मंत्री विशाखापत्तनम में हुई गैस लीक पर आपदा प्रबंधन की एक जरूरी मीटिंग में नजर आ गए। और वैसे भी अमित शाह ने एक ट्वीट में इन सारी बातों का खंडन किया है। सूत्रों की माने तो शाह को अपने सियासी वजन का खासा इल्म है, सो वे इन दिनों अपने शरीर का वजन कम करने में जुटे हैं। सूत्र बताते हैं कि लॉकडाउन के इस दौर में वे 3 घंटे तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने में केवल फल और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, सो हालिया दिनों में उनका वजन भी कम दिख रहा है। कोरोना पर नजर बनाए रखने के साथ साथ उनकी राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों पर भी खासी नजर है। राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर पहले ही अटकलों का बाजार गर्म था। महाराष्ट्र में वे राज ठाकरे पर दाव आजमा रहे हैं। राज ठाकरे इन दिनों शिवसेना में 2 फाड़ करवाने की रणनीति बुनने में जुटे हैं। समझा जाता है कि मध्य प्रदेश में भी विवेक तनखा लगातार शाह के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा भी इनके संपर्क में बताए जाते हैं। चूंकि शाह लॉकडाउन की वजह से काफी दिनों से अपने घर अहमदाबाद नहीं जा पाए हैं, सो जब उनके घर एक नन्ही परी का आगमन हुआ तो उन्होंने अपनी पोती का स्वागत भी वीडियो कॉल के मार्फत किया। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।